हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत सोनी में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं ऑलवेज आपको यहाँ पे मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे बताता हूँ। अब वो मनी मेकिंग मैं आपको ब्लॉगिंग के थ्रू भी बताता हूँ और आप खुद की साइट्स बना लीजिए, डिफरेंट टाइप की साइट्स आप बना सकते हैं। आप चाहें तो आप ऐप डाउनलोडिंग वाली साइट बना लीजिए, ड्रॉप शिपिंग टाइप का स्टोर बना लीजिए, एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए आप साइट बना लीजिए। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बताता हूँ। आपने अगर मेरे चैनल में देखा होगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के वेज मिलेंगे और ये सभी 100% वर्किंग रहेंगे। मतलब आप इसमें से अगर कोई भी एक चूज कर लिया करते हैं और उस पे आप अच्छे से काम स्टार्ट कर दिया करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे एपीके ऐप डाउनलोडिंग वाली वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वो चीज मैंने आपको ब्लॉगर में बताई हुई थी, जैसे कि आप यहाँ पे साइट भी देख सकते हैं कि ये इस टाइप की साइट मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई थी। साथ ही मैंने एक और चीज बताई थी कि आप यहाँ पे सीपीआई ऑफर्स का, जो कॉस्ट पर इंस्टॉल वाले ऑफर होते हैं, उनका यूज करके आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये भी आप देखिए। और साथ ही मैंने एक और वीडियो बनाया था कि अगर आप यही चीज अगर आप वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं तो आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के दी हुई थी। अब बात आती है, इन्हीं वीडियोस में मुझे ज्यादातर में कमेंट आया कि वो ऑनलाइन लाइव टीवी वाली वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि आप ऑनलाइन लाइव टीवी वाली वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यप टीवी है और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं www.itv.com है। तो इसी टाइप की साइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड चल रहा है क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो घर में बैठ के तो वो यही चीजें ऑनलाइन देखा करते हैं। तो अगर उनको कोई भी टीवी देखनी है तो वो आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज सर्च करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे साइट्स मिल जाएंगी जो इनको ऑनलाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। यही साइट है, मैंने आपको एक दो साइट्स यहाँ पे ओपन करके दिखाई हुई है और आप इन पे ट्रैफिक भी देखेंगे तो एकदम ट्रैफिक भी यहाँ पे शानदार है। मैं यहाँ पे इसका ट्रैफिक आपके लिए चेक करके बता दिया करता हूँ कि इस पे आप देख सकते हैं यप टीवी पे 3.26 मिलियन का यहाँ पे ट्रैफिक है। और साथ ही अगर हम इस पे देखते हैं www.itv.com पे तो इस पे कितना ट्रैफिक है, 1.46 मिलियन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है कि आप एक महीने में कम से कम नहीं तो 50,000 से लेके 1,00,000 रुपया तक आसानी से कमा सकते हो। अब वो आप कैसे कमाओगे, क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, किस टाइप से आप साइट बनाओगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एवीएस टेक अनंत सोनी को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो या इसका कोई अपडेटेड वर्जन यहाँ पे अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी रिसर्चिंग कर लिया करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन लाइव टीवी सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में इसका 4.7K है, चूंकि हमने ये वाला कीवर्ड यहाँ पे लिया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं लाइव टीवी ऑनलाइन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में इसका 40K ट्रैफिक है और ग्लोबल 81 है। मतलब एक महीने में 28 दिन में तकरीबन ये इतनी बार गूगल पे सर्च होता है। तो आपको यही कीवर्ड अपने इसमें यूज करना है, जो ये कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस कीवर्ड का आप यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड रहेगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर इन साइट्स को भी देखेंगे तो इन साइट में ऐसी कोई खास चीज नहीं लिखी है जो कि आपकी साइट रैंक नहीं कर सकती। तो आपको इन साइट्स को रैंक करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी बना के दूंगा कि इसके एसईओ वगैरह कैसे करनी है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि ऐसी बनाना कैसे आपको। तो यहाँ पे आपको याद होगा जैसे कि हमने ये एक साइट बनाई थी और इसका मैंने आपको वीडियो भी बता दिया है कि इस वीडियो में इसकी पूरी ट्यूटोरियल है। तो आज जो हम थीम यूज करेंगे वो सेम थीम हम यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे चैनल दिखाई देंगे। एक आपको डेमो देने के लिए मैंने यहाँ पे एक चैनल भी एड किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे रिसेंट अपलोड में आया, यहाँ पे
दिखाई दे रहा है। January 15, 2020 को मैंने ये चीज ऐड किया है ये ब्लॉग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज तक आ रहा है, आज तक लाइव टीवी यहाँ पे शो हो रहा है हिंदी लैंग्वेज। तो हमको इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ये आ रहा है, इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइव टीवी आपकी स्टार्ट हो जाती है और ये चीज लाइव है। आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं, जो अभी टाइम अभी चल रहा है वो चीज ये एकदम लाइव यहाँ पे शो होगी। आपको अगर चाहिए है तो मैं इस ब्लॉग की लिंक भी आपको दे दूंगा, आप इस पे आके भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको इस टाइप से कैसे बनाना है कि आपका चैनल इसी टाइप से दिखाई दे और सारी चीजें आपकी एक परफेक्ट वे में दिखाई दे। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको ये वाला टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये टेम्पलेट की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यही थीम हमने क्यों चुनी, क्योंकि इसमें हमको जो चीज चाहिए है, जैसे हमको यहाँ पे लोगोज यहाँ पे शो करने हैं, तो लोगोज जो है वो हमारे यहाँ पे शो होंगे, कि मान लीजिए जो भी टीवीज हैं वो लोगोज यहाँ पे शो होंगे उनके। और साथ में यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के चैनल्स बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ट्रेंडिंग चैनल्स बना दीजिए, यहाँ पे आप हिंदी चैनल्स बना दीजिए, यहाँ पे एंटरटेनमेंट चैनल्स बना दीजिए, यहाँ पे आप रीजनल चैनल बना दीजिए और यहाँ पे पॉपुलर चैनल्स आप क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे इस टाइप से आप पूरा क्रिएट कर सकते हैं और आपको जो भी यहाँ पे लेबल क्लाउड्स है ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ये चीज आप हटा भी सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे हाथ में है कि हमको क्या चीज यहाँ पे ऐड करनी है, क्या चीज नहीं करनी है ऐड। तो यहाँ पे जो भी आपको लगता है वो चीज आप ऐड कीजिए। और साथ ही साथ मेनू भी हमारा बहुत ही परफेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी आ रहा है और साथ में एक मेन मेनू भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या चीज कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने लैंग्वेजेस, तो जो भी लैंग्वेजेस रहेंगी वो सारी लैंग्वेजेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूज, तो यहाँ पे न्यूज से रिलेटेड सारे चैनल आ जाएंगे। या फिर यहाँ पे हम लिखते हैं रीजन, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप किसी रीजन वाइज बनाए कि एमपी के लिए यूपी के लिए अलग अलग टाइप के आप बनाना चाहें, तो वो रीजन वाइज और यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस थीम को यहाँ पे सर्च किया है। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर किसी में एक सर्च का ऑप्शन जरूर होता है, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सर्च का ऑप्शन जरूर है। तो इसीलिए मैंने भी इसको ही चूज किया ताकि यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे, बाकी ये सारे टेक्स्ट वगैरह आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे चेंज करना है। तो ये थीम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये थीम आपको मिल जाएगी। तो जो फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रही होगी डाउनलोड थीम या टेम्पलेट, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये थीम मिल जाएगी। अब बात आती है कि आपको आगे क्या करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जाना है अपने ब्लॉग में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चार ब्लॉग्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है थीम्स में, यहाँ पे आपको थीम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे एडिट HTML करना है और जो भी आपको वहां पे XML फाइल मिली हुई है, जो आपको डाउनलोडिंग के बाद मैंने XML फाइल दी हुई है, ये आपको यहाँ से कंट्रोल A करना है और आपको इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल V करना है, तो आपकी जो भी कोडिंग रहेगी वो सारी कोडिंग यहाँ पे आ जाएगी और आपको इसको सेव कर देना है। तो फिर हमारी यहाँ पे थीम अपडेट हो जाएगी, चूंकि हमारी थीम अभी पहले से ही वही थीम है तो इसीलिए यहाँ पे आपको सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपको पोस्ट, ये आप पोस्ट भी बोल सकते हैं या एक स्पेसिफिक चैनल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको किसी भी एक चैनल को ले लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आज तक लिखा है, आज तक की जगह हम यहाँ पे कोई और चैनल यहाँ पे ले लिया करते हैं। तो हमको इस साइट पे या किसी भी साइट पे आप जाएंगे तो आपको फाइंड कैसे करना है कोड, वो चीज मैं यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी एक चैनल ले लिया करते हैं, तो हम यहाँ पे कंट्री में इंडिया सिलेक्ट करते हैं और इंडिया का जो भी एक कोई चैनल हम ले लिया करते हैं, इनमें से हमको जो जो भी चैनल आपको यहाँ पे एम्बेड करने हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो भी चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे तीन तरीके से एम्बेड कर सकते हैं आप। एक चीज होती है कि इनकी मेन साइट से, जैसे कि आपको मैं मेन साइट से यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ, जैसे कि हम एक किसी साइट को ले लिया करते हैं, जैसे ये जी न्यूज है, तो जी न्यूज का आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने एक लिंक डाली हुई है यहाँ पे कि आप लाइव इनकी साइट पे जा सकते हैं और मोस्ट रिसेंट ब्रॉडकास्ट भी इन्होंने दिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट रिसेंट दिखाने के बजाय आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप इनकी साइट पे जाके, जैसे आप यहाँ पे आ गए जी न्यूज इंडिया की साइट पे, आप यहाँ पे आ गए, अब आपको यहाँ पे लाइव टीवी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए आपको लाइव टीवी दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज लाइव आ रही है अभी, चूंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ गया है तो ये हमको यहाँ पे लाइव चीज शो हो रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको व्यू पेज सोर्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको
कंट्रोल एफ करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है आई फ्रेम। तो हमने यहाँ पे आई फ्रेम सर्च किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आई फ्रेम हमको मिल गया और हमको इसको कॉपी करना है। तो अभी मान लीजिए ये चीज हमको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब इसको आपको अपनी साइट में कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखा दिया करता हूँ। तो ये मान लीजिए ये कौन सी टीवी थी, ये था हमारा वॉच जी न्यूज लाइव फ्रॉम इंडिया। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, फिलहाल हम इसी को कॉपी करते हैं और आपको यहाँ पे न्यू ब्लॉग में इसको पेस्ट कर देना है। आपको इसको जी न्यूज हिंदी कर देना है और यहाँ पे आपको एक लोगो लगाना है। जैसे कि आपको सबसे पहले गूगल में जाके आपको जी न्यूज का यहाँ पे लोगो फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे जाना है, जी न्यूज लोगो करके आपको सर्च करना है और जो भी आपका स्क्वायर में लोगो रहे वही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ये 340x340 है, तो ये जो है ये हमारे स्क्रीन के हिसाब से और हमारी साइट में एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। तो यही जो है ये अभी हम यहाँ से सेव कर लिया करते हैं इसको हम, और हमने इसको सेव इमेज किया और ये हमारा सेव हो गया। अब हमको जाना है अपने ब्लॉग में, तो अभी हमको वो इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये जो इमेज का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इंसर्ट इमेज, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो आपकी इमेज है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई और आपको इसको ऐड सेलेक्ट करना है और ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। अब आप इसको यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं ताकि स्मॉल रहे, और आपको इसको लेफ्ट में करना है ताकि आपका एक साइड में दिखाई दे। अब यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट डालना है, तो कंटेंट में आप यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा कंटेंट इतना डालना है कि आपका ये जो स्पेस है ये फिल हो जाए। तो अभी हम सेम ही कंटेंट यहाँ पे 2-3 बार पोस्ट कर दिया करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कंटेंट कुछ ऐड कर दिया, साथ में आपको इसी को यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और साथ ही आपको इसको टेक्स्ट भी आपको इसके थोड़े से बड़े कर देना है ताकि ये चीज थोड़ी सी ठीक तरीके से दिखाई दे, और आप चाहें तो इसको सब हेडिंग बना दीजिए। अब हमारी सब हेडिंग भी यहाँ पे बन गई और अभी हमको यहाँ पे वो कोड यहाँ पे पेस्ट करना है जो हमने कोड यहाँ से कॉपी किया हुआ था। तो ये हमने फिर से यहाँ से कॉपी किया और अभी आपको जाना है HTML में। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, HTML पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे आपका कोड जो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कोड पेस्ट कर दिया करता हूँ और फिर से आप कंपोज में चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टीवी यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गई। तो यहाँ पे आ गई हमारी टीवी और इसके बाद आपको यहाँ पे लेबल्स ऐड करने हैं। तो जो भी, जैसे मान लीजिए एक हम ट्रेंडिंग कर देते हैं और साथ ही ये हमारा हिंदी न्यूज चैनल है तो हम यहाँ पे हिंदी न्यूज चैनल कर दिया करते हैं। तो ये तीन हमने यहाँ पे लेबल्स ऐड कर दिए और हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको पब्लिश करके चेक कर लिया करते हैं कि हमारी ये पोस्ट किस टाइप से शो हो रही है। तो हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा था तो जी न्यूज का लोगो आ गया, साथ में यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज हमारी लाइव यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टीवी हमारी लाइव यहाँ पे चलना शुरू हो गई है और इसी टाइप से आप डिफरेंट साइट्स में कर सकते हैं। और साथ ही आपको अगर लगता है, जैसे कि यहाँ पे हम किसी और टीवी को देख सकते हैं, तो बहुत से लोगों ने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे हम किसी और, जैसे हम तेज न्यूज करते हैं, तो तेज न्यूज में एक और ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पे YouTube की लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तेज का YouTube मिल जाएगा और ये जो लिंक है ये लाइव वाली लिंक है। तो आपको इसको एम्बेड करने के लिए आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको एम्बेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एम्बेड कोड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है, इसको कॉपी करके आपको सिंपल सा अपनी साइट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम तेज न्यूज के लिए एक और यहाँ पे बनाते हैं, हमने यहाँ पे किया न्यू पोस्ट और यहाँ पे अभी हम फिलहाल के लिए सिर्फ तेज न्यूज हिंदी सिर्फ इतना लिख दिया करते हैं। और फिर यहाँ पे अभी सिंपल सा मैं आपको कोड यहाँ पे पेस्ट करके दिखा दिया करता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कोड पेस्ट किया और साथ में यहाँ पे हम यही चीज एक और बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हमने ये चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और अब हमको यहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा हर चीज परफेक्ट तरीके से आ गई है कि ये हमारा तेज न्यूज यहाँ पे आ गया। आपको इसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह लगाना है वो चीजें आपके है कि आपको यहाँ पे अगर बैकग्राउंड वगैरह लगाना है तो वो चीजें भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर चाहते हो कि तेज न्यूज का आपको लोगो डालना है तो यहाँ से सिंपल सा आप तेज न्यूज का लोगो यहाँ पे सर्च कर लीजिए गूगल में। तो हमने यहाँ पे सर्च किया तेज न्यूज लोगो, तो आपको ये तेज न्यूज वाला लोगो यहाँ पे मिल गया। तो जो भी स्क्वायर में हो, जैसे ये स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, इसी को हम यहाँ
पे सेव कर लिया करते हैं। मैंने इसको सेव इमेज किया और आपको अपने ब्लॉगर में जाना है। ब्लॉगर में आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही, यहाँ पे इमेज में आपको जाना है, नई इमेज आपको अपलोड करनी है। तो तेज न्यूज की ये इमेज हमने यहाँ से ली, इसको ओपन किया और ये इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अभी हमारी इमेज आ गई, आपको इसको स्मॉल कर लेना है ताकि ज्यादा बड़ी ना दिखाई दे। और यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करते हैं कि यहाँ क्या डिस्क्रिप्शन था, तो जो भी डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे इसी को हम दो तीन बार, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको इतने बार कॉपी पेस्ट करना है कि ये जो आपकी जगह है ये पूरी फुल हो जाए, या फिर इसके नीचे भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है ये आपका यहाँ पे आ जाए। तो आपको यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि आपकी इमेज दिखाई और थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे। तो अभी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, साथ में आप भी यहाँ पे लेवल सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम न्यूज चैनल कर दिया करते हैं, ट्रेंडिंग इसको नहीं करते हैं और इसको हम यहाँ पे हिंदी चैनल कर देते हैं। तो हमने इसको डन किया और हमने यहाँ पे इसको भी पब्लिश कर दिया। अभी आपको मैं साइट यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया करता हूँ। ये मैंने फिर से यहाँ पे साइट ओपन की और आप यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ तो चूंकि ये कुछ अलग ही कोडिंग पड़ी हुई है तो वो चीज, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारी तीन चीजें आ गई हैं। जैसे पहले आज तक ऑलरेडी था, फिर जी न्यूज आ गया, फिर यहाँ पे तेज न्यूज आ गया। अब हम यहाँ पे अगर जी न्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जी न्यूज यहाँ पे चलना शुरू हो गया। सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम और भी यहाँ पे देख लिया करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने तेज न्यूज किया, तेज न्यूज हिंदी किया, तो यहाँ पे भी आपका कंटेंट आ रहा है और साथ में आपका यहाँ पे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई देना शुरू हो गई। कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो लाइव यहाँ पे देख सकता है। तो इसी टाइप से आपको करना है कि आपको कोड फाइंड करना है जो भी एम्बेड है अगर किसी साइट में है। मान लीजिए हमने अभी जैसे इस साइट से लिया था, तो इस साइट का जो भी कोड था वो आपको यहाँ पे सिंपल सा आई फ्रेम यहाँ पे सर्च करना है। आई फ्रेम आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ये कोड आपको मिल जाएगा। ये कोड आपको कॉपी पेस्ट करके और एड कर देना। अब आपका ये भी कहना हो सकता है कि अगर कोई कॉपीराइट इशू होता है या इस टाइप की कोई भी चीज होती है तो उनसे कैसे बचें, तो मैं उसका भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया करता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको सेम इसी साइट पे जाना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है DMCA कॉपीराइट पॉलिसी, आपको इस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो भी कंटेंट लिखा है इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। और सेम चीज आपको अपने ब्लॉग में भी करना है। आपको यहाँ पे न्यू पेजेस क्रिएट करने हैं और यहाँ पे एड न्यू पेज करके आपको नया पेज यहाँ पे क्रिएट कर देना है और यही पॉलिसी आपको पूरी यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे जो भी इसका पेज का नाम था वो पेज का नाम हम यहाँ से ले लिया करते हैं। तो ये जो पेज का नेम था, ये पेज का नेम हमने यहाँ से लिया और ये पेज हमारा, इसी टाइप से हम यहाँ पे पेज बना देंगे। और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें, मान लीजिए ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो ये पूरा नाम आपको मॉडिफाई करना है जो आपकी वेबसाइट का URL है। जैसे अभी हमारी वेबसाइट का URL ये है, तो हम यहाँ पे ये चीज निकाल के हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आपका जो भी नेम है वो चीजें आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये नाम आ रहा है, जितनी बार भी यहाँ पे नाम आ रहा है और जो भी आपका ईमेल रहे वो ईमेल भी आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है, ताकि अगर कोई भी इस टाइप की चीज होती है, जैसे यहाँ पे आप पॉलिसी में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कॉपीराइट ओनर कोई है और वो अगर इस पे क्लेम करना चाहता है तो वो मुझे इस ईमेल पे कॉन्टेक्ट कर सकता है और हम उसका कंटेंट हटा देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है कि आपको यहाँ पे ईमेल वगैरह देके रखना है और आपको इस पेज को पब्लिश कर देना है। तो ये पेज भी हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया और ये पेज आपको भी इसी टाइप से फुटर में यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारा फुटर रहेगा, यहाँ पे फुटर में आप यहाँ पे ये चीज अपडेट कर सकते हैं कि आपको लगता है, जैसे अभी यहाँ पे इतनी चीजें दिखाई दे रही हैं। अभी यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट और एडवर्टाइजिंग साइट मैप, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इसकी जगह आप यहां पे ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऊपर भी कहीं भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर सकता है, या फिर आप साइड बार में भी पेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो जो हमने यहां पे पेज बनाया हुआ था वो पेज भी आपका यहां पे दिखाई देना शुरू हो गया होगा। तो आप यहां पे इस पेज को एक बार व्यू करके चेक कर लीजिए। ये चीजें सारी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको कभी भी इशू ना आए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारी पूरी साइट यहां पे बनके तैयार हो गई। अब साथ ही आपको अगर जो भी ये सारी
सारी चीजें अगर चेंज करना है, मान लीजिए ये जो कंटेंट लिखा है डाउनलोड 1000+ फ्री एंड्रॉइड एप्स, तो आपको सिंपल सा इसको कॉपी करना है और इसकी जगह पे आपको जो भी लिखना हुआ है वो आपको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थीम्स में जाना है और थीम्स में आपको एडिट HTML करना है, और एडिट HTML में आपको यहाँ पे कहीं भी एक जगह क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कंट्रोल F करना है, और जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था वही चीज हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी ये पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ था ये चीज आपको मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे जो भी आपको लिखना है तो आप वो चीज मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम इसको अभी मॉडिफाई कर दिया करते हैं, वॉच 1000+ फ्री ऑनलाइन टीवी चैनल्स, और ये हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया और हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया करते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे चाहें तो जैसे जी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे भी हम यहाँ पे चेंज कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिया करते हैं मान लीजिए आज तक और तेज न्यूज, तो ये आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे लोगों को शो करने हैं, तो ये हमने यहाँ पे इस टाइप से ये दोनों भी चेंज कर दिए और हमने इसको सेव किया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी चीजें हमने यहाँ पे देखी ये चीज हमने मॉडिफाई की है, और जो यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे मॉडिफाई की है। तो हम इसको अभी रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आ गया है हमारा वॉच 1000+ फ्री ऑनलाइन टीवी चैनल्स, और यहाँ पे एग्जाम्पल में आज तक और न्यूज। तो जब भी कोई यहाँ पे जो भी सर्च करेगा वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो अगर कोई यहाँ पे चैनल भी सर्च करना चाहता है, क्योंकि अभी तो हमारे में सिर्फ 2-3 ही चैनल है, लेकिन जब यहाँ पे 100-200 चैनल रहेंगे और कोई यहाँ पे अगर आज तक सर्च करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सर्च भी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे उसने आज तक सर्च किया तो ये हमारा चैनल यहाँ पे आज तक शो होना शुरू हो गया। तो इसी टाइप से आपका सर्चिंग भी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब आपको लगता है कि ये जो यहाँ पे मेन्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे मेन्यूज आपको चेंज करने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको मान लीजिए ये जो सेकेंड है तो इसकी जगह पे आपको न्यूज चैनल अगर लगाना है तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जो भी आपकी ये न्यूज चैनल वाली लिंक है इसको हम यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया करते हैं, और अभी आपको इसका नाम था एंड्रॉइड, तो अभी आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ था इसको हटा के और आपको यहाँ पे एंड्रॉइड सर्च करना है। तो हमने यहाँ पे एंड्रॉइड सर्च किया, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पे एंड्रॉइड की लिंक यहाँ पे पड़ी हुई है। इसकी जगह पे हम ये जो अभी हमने लिंक यहाँ से कॉपी की है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे न्यूज चैनल आ गया, और जो ये यहाँ पे एंड्रॉइड लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम न्यूज चैनल कर दिया करते हैं, और न्यूज चैनल के साथ आपको यहाँ पे ये फाफा कोड जैसे यहाँ पे एंड्रॉइड लिखा हुआ है इसकी जगह पे अगर आपको कोई कोड लगाना है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक सिंबल आ रहा है एंड्रॉइड वाला, इसकी जगह पे आपके पास कोई और सिंबल है, आप यहाँ पे फाफा वाले यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे जो फाफा रहा करता है यहाँ पे अगर न्यूज से रिलेटेड कोई होगा तो वो हमको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये जो न्यूज पेपर वाला है यही चीज हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे हमको जाना है जहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही थी, इसको हमको कॉपी करना है, हटाना है और यहाँ पे हमारा नया कोड newspaper-o यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा न्यूज चैनल आने लगेगा और उस पे हमारी न्यूज चैनल की लिंक आ जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड्रॉइड दिखाई दे रहा है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज पेपर वाला लोगो आ गया और साथ में यहाँ पे न्यूज चैनल दिखाई देने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारे ये न्यूज चैनल यहाँ पे दिखाई देंगे, और भी जो भी चैनल्स रहेंगे वो सारे चैनल्स यहाँ पे आते जाएंगे एक एक करके जैसे ही जैसे आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे। तो इसी टाइप से आपको ये मेन्यूज चेंज करने हैं, बाकी जो भी मेन्यूज आपको लगते हैं वो सारे मेन्यूज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विंडोज भी है, मैक है, इसकी जगह पे आप न्यूज चैनल की जगह रीजनल चैनल कर दीजिए, हिंदी चैनल कर दीजिए, इंग्लिश चैनल कर दीजिए, जो भी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करना है वो सारे आप मेन्यू यहाँ पे अपडेट करते जाइए, वो सारे यहाँ पे भी चेंज होते जाएंगे। तो ये मेनू वगैरह सारी चीजें हमारी बन गई। अब यहाँ पे एक और चीज आ सकती है कि आपको यहाँ पे मान लीजिए ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी आपको यहाँ पे ये तो सारे रीसेंट दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो इस रीसेंट को बंद भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं लगता, मान लीजिए ये जो फीचर्ड गेम्स है इसकी जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूज चैनल दिखाने हैं, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे सिंपल सा लेआउट में जाना है और लेआउट में आपको यहाँ पे फीचर्ड गेम्स दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल सा इस पे एडिट क्लिक करना है और आपको जो ये
ये फीचर्ड गेम्स दिखाई दे रहे हैं, इसकी जगह पे आपको लिख देना है न्यूज चैनल, और यहाँ पे भी सेम चीज आपको लिखना है न्यूज चैनल, और जो भी आपने लेवल बनाया है वो लेवल आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि ये चीज सेम लिखना है, यहाँ पे आपको जो भी टाइटल डालना है या फिर हॉट न्यूज चैनल या ट्रेंडिंग न्यूज चैनल वो आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको लेवल ऐड करना है। तो एक बार अभी हम यहाँ पे चेक कर लिया करते हैं कि हमारा ये चीज अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा न्यूज चैनल लिखा आ गया, और ये तीन न्यूज चैनल्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। जितने भी न्यूज चैनल रहेंगे वो एक एक लाइन से यहाँ पे नीचे आते जाएंगे। आपको यहाँ पे जितने भी शो करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। और सेम चीज आपको यहाँ भी करना है, मान लीजिए आपको एंटरटेनमेंट की जगह आपको हिंदी चैनल करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको फिर से आना है लेआउट में, लेआउट में आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे एंटरटेनमेंट दिख रहा है तो हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं हिंदी चैनल, और यहाँ पे भी हम हिंदी चैनल, या फिर आप इसकी जगह पे कोई और भी ऐड कर सकते हैं, हॉट हिंदी चैनल्स, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, सेव किया। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट आ रहा था इसकी जगह पे हमारा हिंदी चैनल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी चैनल्स हैं। अभी चूंकि हमने सारी कैटेगरीज में यही चीज ऐड करके रखी हुई है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। मान लीजिए आपके बाकी कुछ हिंदी चैनल रहेंगे तो वो हिंदी चैनल से यहाँ पे शो होंगे। अभी हमारी सभी जगह पे एक ही चीज इसलिए शो हो रही क्योंकि हमने तीन ही चैनल यहाँ पे अभी तक ऐड किए हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे आप एक अच्छी खासी साइट बना सकते हैं, और इस साइट को सिर्फ आपको रैंक करवाने की जरूरत है या आप कहीं भी शेयर करके सोशल मीडिया से, और एक अच्छी तरीके से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं, आप एड्स के थ्रू भी कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी कमा सकते हैं, यहाँ पे भी आप डिफरेंट टाइप से कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन साइटों से, जैसे ब्लॉग्स की साइट है, इनसे आप किन किन तरीकों से कमा सकते हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, तो मैं उस चीज पर भी यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज आपको फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। और इससे रिलेटेड या कोई नए टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो वो चीज भी आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आपकी पसंद के वीडियोस दे पाऊं। क्योंकि मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि मैं जो भी ये वीडियोस बनाता हूं ये सिर्फ इसलिए बनाता हूं क्योंकि आप लोगों को पसंद आने चाहिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए ही बनाता हूं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके सोशल मीडिया पे आप इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तो अगर आप इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नए अपडेट्स या इसके नए वीडियोस या मैं कोई भी न्यू मनी मेकिंग वीडियोस यहां पे अपलोड करता हूं तो वो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू दोस्तों।